मुझे ये साइकिल जो भी बजट लगा वो सारा आज स्पॉन्सर मिल गया। नमस्कार दोस्तों, से स्वागत करते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। मेरा नाम पप्पू चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मुसाफिर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हम हैं पावापुरी तीर्थ स्थान सिरोही और रात को करीब यहाँ 8-9 बजे के आसपास आ गए थे। अभी चल रहे हैं हम गौशाला विभाग। मंदिर के अंदर दर्शन हो लिए, आगे वीडियो अलाउ नहीं था तो आगे भी दर्शन नहीं करा पाए आपको, लेकिन आप यहाँ पर आते हो तो दर्शन कीजिएगा। अभी नाश्ता होने के बाद हम यहीं पर गार्डन वगैरह है और ये पीछे देख सकते हो महाराणा प्रताप का स्टेचू घोड़ी के साथ। जी कैसा रहा आज का शुभ दिन? बहुत शानदार, पावापुरी का तीर्थ बहुत ही दर्शनीय तीर्थ है। ठीक है, एक में 100 आ जाती है, 100 इधर 100 इधर 100 उधर और 100 उधर। ये बनाने का कारण क्या है कि एक तो लो मेंटेनेंस, खर्चा कम आता है, एक ट्रैक्टर जाता है तो दोनों जगह की डिमांड बढ़ जाता है। हमारे यहाँ सफाई में केवल 2 ही मजदूर है, एक तो डिमांड भरता है और दूसरा सफाई करता है, इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है। 100 गायों में 2 मजदूरियाँ रहती हैं। ये ऐसे ऐसे अपने 3 गोदाम है, 1, 2 और 3, और ये अंदर 6 फीट भी भरा हुआ है, इसके अंदर भी 6 फीट है, गहरा दोनों साइड से, यहाँ पे नहीं है लेकिन दोनों साइड से है। अच्छा, हाँ। इसमें पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ से नालिश की बाहर दे रखी है, सीधे पाइप से नीचे उतर रहा पानी, बिल्कुल एक इसमें पानी नहीं आता। इंजीनियर आर्किटेक्ट का, ये गोपालकों के लिए रहने के लिए है, जो भी यहाँ सेवा करते हैं उनकी यहाँ बढ़िया मकान बने हुए हैं। ऐसे मकान कहीं नहीं देखे हम लोग, ये गोपालकों के लिए आप देख लो कैसी अपनी व्यवस्था होती है, और इनके लिए ये ओसी भी बनाई हुई है। रात को इनको बैठना हो आराम से बैठ के, खुले में चर्चा, खुले में चर्चा, सो जाओ, ये केवल इनका ही संकुल है, कहीं नहीं है। मतलब गायों के वार्ड है उसी में वो उनको उसमें ही तो कई जगह वो गायों के वार्ड के साथ कहते हैं। ये अपने है ना झिंझुआ घास है, ये एक बार लगाने के बाद है ना 25 साल तक लगाने की जरूरत थी। हाँ, ये बताओ। और ये फिर इसको आप पानी देते रहो, खाद देते रहो और पाक लेते रहो। अच्छा, यहाँ कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, गधा जो भी आता है सबको ले आते, कोई भी फोन आओ तो गाड़ी हमारी जाती है, एम्बुलेंस भी देखेंगे अपने लिफ्टिंग वाली एम्बुलेंस है, तो यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे रखते हैं। अभी तो सबको छोड़ दिया, जो भी आते सब चले जाते हैं। सही है, ये देखो खरगोश है, कछुए हैं, कुत्ता वगैरह है, मतलब कबूतर वगैरह पकड़ नहीं ले, नुकसान नहीं कर दे, तो सुबह सफाई होती है जब इसको खोलते हैं, इसको वापस बंद कर लेते हैं, पूरा कवर्ड है और बाहर से पूरा खुला है, बाहर से खुला। अब देखो बाहर से अंदर जाके। तो ये था सारा सूर्य प्रेम जीव रक्षा केंद्र पंजरा पोल ट्रस्ट पेड़ी। क्या की जा रही है, दुनिया में इस वक्त करीब 18 करोड़ गाय बची हैं, जिनकी तादाद भारत में करीब 12 करोड़ है, लेकिन उससे भी कड़वा सच यह है कि जो बची है उनमें से भी करीबन 40% गाय दूध दुहने के बाद आवारा छोड़ दी जाती है। अरे
युवा टीम जिन्होंने एमपीएससी बीमारी के अंदर खूब काम किया, इंद्राम जी के नेतृत्व में उनका सम्मान, समस्त महाजन का जय हो, एनायत किया जा रहा है। अरे बोल रहे हो, समस्त महाजन का 7 दिनों का जो प्रोग्राम था वो अभी समाप्त हो गया है और अभी हम सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी जितने भी राज्य हैं वहाँ से आए हुए हैं। हम लोग सभी अभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा 7 दिन का कार्यक्रम है वो बहुत ही बेहद सुनहरा रहा। चलो ठीक है सफा मिला बड़े ओ। ठीक है सर। ओके, कैसा हो रही है सफर? हाँ दिन और बहुत शानदार आपके साथ सफर। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? हाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके ठीक है सर, गुड, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। एकदम बढ़िया करती है ट्रैवलिंग। ओके सर। हाँ जी, तो हमारा ये 7 दिवसीय कार्यक्रम यहीं पर खत्म हुआ था आज, और अभी मैं वापस सिरोही उतर गया हूँ। ये अपने गाँव नागौर की ओर वापस बढ़ चले हैं, और एक खुशी की बात बता दूं कि मुझे ये साइकिल जो भी बजट लगा वो सारा आज स्पॉन्सर मिल गया। तो बहुत बहुत आभार समस्त महाजन ट्रस्ट मुंबई का, जिन्होंने ये मुझे साइकिल गिफ्ट कर दी, और आगे भी जो हमारा रहेगा कार्यक्रम उसमें फुल सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से साइकिल पिकअप करने के बाद हम यहाँ पर स्वामीनारायण टेम्पल सिरोही में यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर नाइट स्टे किया। अब यहाँ से तैयार हैं आगे चलने के लिए, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप सो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।